नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। आज बिग न्यूज में बात करेंगे सोशल मीडिया में हैरान कर देने वाले खुलासों पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मीटू कैंपेन की। विदेश से शुरू हुए मीटू कैंपेन के जरिए गलत के खिलाफ उठाई गई आवाज ने महिलाओं के क्रोध, व्यथा, नाराजगी और लंबे समय से दबे हुए इनके गुबार को जग जाहिर कर ये साबित कर दिया है कि अब नारी चुप रहने वाली नहीं है। इस मीटू कैंपेन के चलते आज इस शो में मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगी जो यकीनन ही हमारी तरह ही आपके जहन में भी उठे होंगे। हमारे जहन में उठने वाला पहला सवाल है, मीटू कैंपेन आखिर है क्या? मीटू यानी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मीटू कैंपेन में जिन महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण हुआ है या किसी पुरुष कर्मी की वजह से महिला को वर्क प्लेस में या निजी मौके पर असुरक्षित महसूस होता है, तो वो महिला सामने आकर या फिर अपनी पहचान जाहिर ना करके बता रही है कि मीटू यानी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल, कहां से शुरू हुआ मीटू कैंपेन? 2006 में टराना ब्रूक नाम की एक महिला एक्टिविस्ट ने ये मीटू कैंपेन शुरू किया था। इस आंदोलन के मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य युवा महिलाओं का साथ देना है, विशेष रूप से कम संपत्ति समुदायों से आने वाली युवा महिलाओं का साथ देना और उनको सशक्तिकरण की भावना से अवगत कराना कि वो महिलाएं अकेली नहीं है। हमारा तीसरा सवाल, भारत में मीटू पर सबसे पहले कौन बोला? हालांकि भारत में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाजें उठाई लेकिन उनकी आवाजें दबा दी गई, लेकिन भारत में मीटू कैंपेन का सिलसिला सबसे पहले तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर के खिलाफ उठाई गई आवाज से शुरू हुआ। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि नाना ने उनके साथ गंदी हरकतें की और एक पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों से उनकी गाड़ी पर हमला करवाकर उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की। तनुश्री ने इन्हीं हरकतों में शामिल तीन और लोगों के नाम लिए, जिनमें शामिल हैं फिल्म प्रोड्यूसर समी सिद्दीकी, डायरेक्टर राकेश सारंग और डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। हालांकि इस मामले में तनुश्री के 10 सालों के इंतजार और चैनलों में हुई कई डिबेट्स के बाद अब नाना पाटेकर, समी सिद्दीकी, राकेश सारंग और गणेश आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा चौथा सवाल, तनुश्री दत्ता के केस में किन सेलिब्रिटीज ने कैसा बयान दिया है? तनुश्री दत्ता के केस में सेलिब्रिटीज के चौंकाने वाले और साथ ही साथ निराश कर देने वाले बयान सामने आए हैं। अमिताभ बच्चन से जब इस बारे में पूछा गया तो इंडस्ट्री के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन ने जवाब में कहा, सर ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर, कैसे उत्तर दूं आपके सवाल का। वहीं परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि किसी चीज के बारे में जाने बिना ही मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन ये बातें दुखदाई होती हैं। वहीं जब इंडस्ट्री में भाई कहे जाने वाले सलमान खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पहले मुझे इस मामले को समझने दीजिए, पर मुझे लगता है कि कानूनी टीम इसे हैंडल करेगी। वही इस मामले में क्राइम मास्टर गोगो यानी कि शक्ति कपूर से जब इस बाबत बात की गई तो उनका कहना था, 10 साल पहले हुए इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि 10 साल पहले तो मैं एक छोटा सा बच्चा था, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता, कल ही मैं यूएसए से आया हूँ। तो ये थे वो कलाकार जिनसे इस मामले में आपने और हमने शायद ऐसे जवाबों की उम्मीद न की हो। सोशल मीडिया पर मीटू कैंपेन के जरिए हो रहे इन खुलासों के बाद और भी कई बड़े बड़ों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं जो कि चौंका देने वाले हैं। यौन उत्पीड़न पर लग रहे इन गंभीर आरोपों पर जांच करने की बात कही गई है। हमारी अगली कड़ी में हम आपको और कुछ उन सवालों के जवाब देंगे जो हमारी ही तरह आपके जहन में भी जरूर कौंधे होंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरे साथ सिर्फ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।